पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत सदस्य आशा धपोला के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान बातचीत में जाति को लेकर कुछ अपशब्द कहने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने से प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद ने कहा है कि राजेंद्र भंडारी पीछे 30 सालों से राजनीति में है, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बीजेपी की साजिश है। जो ये ऑडियो क्लिप आया है, मैं इसे सरासर निराधार घोषित करता हूँ और इसमें कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। और भंडारी जी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर के मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर के, और समाज में उनकी सर्व स्वीकार्यता है, वो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये तो समाज में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है।